लिपट नहीं लपेट होता है, लपेट लपेट। जी लाहौर शहर में धुंध की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है, जगह जगह पे लाहौर के अंदर ट्रैफिक जाम हो रही है। धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। सर बहुत ज़्यादा सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिछले 15 मिनट से समय नहीं लग रही, मैं जाऊँ कि रुकूँ यहाँ पे सड़क के ऊपर। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि सर्दी के हवाले से बताएं आपके क्या तासरात हैं। सर सर्दी जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है, मुझे तो जो है बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और अपना मुझे जो है ना घर वालों ने कहा था कि आप ना आज निकलें, मैं सूप लेने के लिए निकला हूँ और मैं जो है काफ़ी देर से जो है ना मेरी गाड़ी आप देखें मैंने गाड़ी साइड पे पार्क कर दी है और मुझे समझ नहीं लग रही कि अब मैं क्या करूँ। पिछले आधा घंटा हो गया मैं यहाँ पे रुका हुआ, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने गलती की, मुझे जो है ना मुझे लोगों ने दोस्तों ने कहा था कि यार वो आप उसको पीली पत्ती होती है वो क्या पट्टी सी वो लगाते हैं स्टिकर वो लगा ले पन्नी लगा ले, लेकिन वो मैंने गाड़ी को नहीं लगवाई। लेकिन अब मजबूरन मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है क्योंकि जो आधे घंटे का रास्ता कम से कम 2 घंटे लग रहे हैं उसके लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये ठीक हो तो मैं घर जाऊं। और मेरी जो है तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आप जो है बग़ैर किसी वजह के अपने घर से जो है आज मत निकलें। सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है और ये धुंध जो है इसमें जो है ड्राइव करना बहुत मुश्किल हुआ है। प्लीज़ आप लोग जो अपने घरों में सेफ है। थैंक यू सर आपका भी। चलिए शुक्रिया, मेहरबानी जी। वालेकुम सलाम जी सर। सर बहुत ज़्यादा धुंध है इस वजह क्या कहेंगे सर? बहुत ज़्यादा धुंध है इस वक्त। मेरा तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफ़र 1 घंटे का तवील सफ़र बन चुका है और इस वक्त इतनी धुंध है कि आगे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैंने डबल इंडिकेटर ऑन किए हुए हैं और मैं आराम आराम से बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड पे जा रहा हूँ। सर आवाम के लिए क्या कहेंगे? आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि बी केयरफुल, बहुत ध्यान से ड्राइव करें। आपके बच्चे, आप किए घर वाले, आपकी अपनी जान बहुत ज़्यादा कीमती है, सो अपना ख्याल रखें। इतनी ज़्यादा सर्दी है, यकीन करो कि धुंध ही मारे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो असी इन्नी दूरों आए हैं, जानवर लेने से जानवर लैन की खातर तकरीबन असी 2 घंटे जो मूल बूटी तो इतने पहुँचे हैं, तो तुम खुद ही समझ ला लो कि सर्दी रस्ते नहीं पता लग रहे जाना किधर। अभी पहले महमूद बूटी में कितनी देर में यहाँ पहुँच जाते थे? तकरीबन पहले हम 1/2 घंटे में यहाँ तक आराम से आ जाते इजी होकर, अब 2 घंटे लगे हैं। रात को भी इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि समझ लो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था रात को भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा ताकि हम आपको आगाह करें लाहौर के ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल के साथ साथ जो है लेटेस्ट अपडेट सियासत के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से। फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप मजीद अपडेट के लिए देखते रहे सिटी वन न्यूज़ लाहौर। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अली अंसारी, सिटी वन न्यूज़ लाहौर।